अब मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदुस्तान में आके बच जाए, भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी। नहीं नंबर एक का कबीला हिंदुस्तान, वृंदावन में आ जाइए, वृंदावन में आ जाइए, राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। क्या रखा है पाकिस्तान में, कहाँ जियादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो। आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो तुम भी। और नहीं तो क्या, पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही है इंडिया, बस बच्चे भर भर के आ रही है, आप बस हाँ बोलो। एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? जलवा है हमारा। क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है, मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ, आप भी बनवा लो पासपोर्ट, आ जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा ना, लोग कहते हैं शायला मैम ये आपकी वीडियो में, लोग कहते हैं ये डाला आ गया, ये क्या, व्हाट इज डाला? एंटी मुस्लिम बिल, उसको पास कर लिया बिल आखिर मोदी सरकार ने। अगर मैं सीए को अगर अच्छी तरह आदमी पढ़ ले समझ लेना, तो इसमें मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों का तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और सुने, सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूँ इसमें किसी का विरोध नहीं हो। और आपको बता, मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, इसमें बुद्धि नाम की चीज होती नहीं है। बेसिकली जो सीए उसका मकसद ये है, जो सप्रेस माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको वेलकम करना। सही बात है। सीए आने से जो 2014 से पहले से ही हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता मिलना उनको आसान हो जाएगी। मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि हम इस कानून को पास करके दिखाएंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए। अब मई के अंदर भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। क्या बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी कैबिनेट को बस में बिठा के लेके गए थे। हाँ। और तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ? अगर उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर दोस्ती हो जाती और वो एक माइलस्टोन बनता, लेकिन तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ अटल जी के साथ? बंटी जी जिनका चैनल है इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम पर रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, और आप सब तो बखूबी जानते हैं बंटी जी को। हाँ भाई हाँ। बंटी जी वेलकम, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई। नमस्कार आपकी सारी ऑडियंस को, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जय श्री राम, और बाबा श्याम का मेला लगा हुआ है तो सबको, श्याम भक्तों को भी जय श्री श्याम, और आपको भी। अभी काफी बिजी चल रहा था मैं भी, तो फिर थोड़ा सा मेरे को लगा कि चलो क्यों ना शायला जी को भी थोड़ा टाइम दिया जाए, शायला जी काफी दिन से वेटिंग में थी। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने ये सोचा कि भाई उस तरफ के भी जो है ना यूट्यूबर्स को शो पे लाया जाए और इतना जम के काम करें, थोड़े से आइडियाज एक्सचेंज हो के चल क्या रहा है सरहद के उस पार। सबसे पहले तो जो बड़ी ही लेटेस्ट न्यूज रही और स्टिल ट्रेंडिंग में है, इंडिया के अंदर सीए आया है और मुसलमान काफी ज्यादा नाखुश हैं, जबकि पाकिस्तानी हिंदू वहां पर ढोल बजा रहे हैं, दिवाली की तरह पटाखे चला रहे हैं। जो सिख कम्युनिटी है और सरकार की जानिब से उनके लिए बहुत अच्छा फैसला सुनाया गया कि अब वो जी इंडियन नेशनैलिटी होल्डर्स बन गए हैं। इस पे बताएंगे इस वक्त इंडिया में अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपस में क्या गॉसिप्स हो रही है, स्टेट टू स्टेट क्या डिस्कशन है, कैसा माहौल है सीए के बाद? सीए के बाद अच्छा माहौल है। देखो जो थोड़े से, अगर मैं सीए को अगर अच्छी तरह आदमी पढ़ ले समझ लेना, तो इसमें मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों का तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ये जो सीए जो एक्ट बना हुआ है, ये बना हुआ बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो माइनॉरिटी है जिनके ऊपर धर्म के आधार पर अत्याचार किया जाता है, जिनपे शोषण किया जाता है, जिनको तंग किया जाता है, कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को तंग करते हैं, बांग्लादेश में भी करते हैं, अफगानिस्तान से तो निकाल ही दिया है, तो उनको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाए, क्योंकि भारत की नागरिकता लेने में काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी मतलब इतनी आसानी से भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। तो सीए आने से जो 2014 से पहले से ही हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता मिलना उनको आसान हो जाएगी। सिर्फ ये एक्ट है, इसमें ना किसी को निकाला जा रहा है, ना किसी को चोर किया जा रहा है, और वो नंबर भी मेरे ख्याल से 30,000 या 32,000 का है जिनको नागरिकता मिलेगी आसानी से, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से हिंदू आए हुए हैं, वो लोग खुश है 30,000 से। और इनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी, अचानक से वोट बैंक बढ़ जाएगा, 140 करोड़ की आबादी में 30,000 अगर वोट बढ़ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और उन पाकिस्तानी वो तो वैसे सताए हुए थे तुम्हारे पाकिस्तान से, तुम्हारे
जुल्म सितम से परेशान हो गए, अपनी जान बचा के अपनी प्रॉपर्टियां अपने घर परिवार सब छोड़ छुड़ा के पाकिस्तान से निकले भागे हैं, और फिर अगर उनको अगर नागरिकता नहीं मिल रही थी, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहो, आप खुद इमेजिन करके सोचो, आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर फिर अचानक से आपके सामने ये CEA आ जाता है और आपको पता चलता है कि अब मैं इस देश की ऑफिशियली सिटीजन बनने वाली हूँ, मुझे भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक हिंदुस्तानी को मिलते हैं, तो वो जो पाकिस्तानी हिंदू की जो आपने कही कि आपने कहा वो डांस कर रहे हैं नाच कर रहे हैं, अरे भाई वो मिठाइयां भी बांट रहे हैं, आपने आदि देखा पूरा अच्छा। देखते हो हाँ, उन्होंने भमरे डाले हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि देखो हाँ। एक नाम मिल गया ना, एक पहचान मिल exactly, गया yes. जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में भी क्या चल रहा है, क्या विरोध हो रहा है, तो जो थोड़े से जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं खासतौर से मुस्लिम लीडर, और आपको बताया मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, इनमें बुद्धि नाम की चीज होती नहीं है, तो वो कुछ लोग होते हैं ऐसा विरोध करते हैं कि हम मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक की वजह से, और बस सीधी सी बात है वोट बैंक की राजनीति है, बाकी मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, वो यहीं का नागरिक है और इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और यही मरेगा, तो उसको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, ये बात तो मैं भी श्योर कर सकता हूँ। अब मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए, हिंदुस्तान में आके बच जाए, भारत सरकार नागरिकता नंबर एक का कबीला वृंदावन में आ जाइए, वृंदावन में आ जाइए, राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, क्या रखा है पाकिस्तान में, कहाँ जियादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो, आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो तुम भी। जो भी दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन जो भी रिलीजन फॉलो करता है एक्चुअली वो उसका कम्फर्ट जोन होता है ना, अब जैसे आपने कहा सनातन धर्म अपना लो, मैं आपको मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना, मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो तुमको अच्छा अच्छा मुझे फायदे देने की बात करें, जितने भी रिलीजन है सबके साथ प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से रहे, मोहब्बत से रहे, और एक्चुअली यही दुनिया की खूबसूरती है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, हर एक का खास कल्चर है। मंडी जी एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ये हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं, आप क्या पाकिस्तानी लड़कियों को शादियों की ऑफर करवा रहे हैं और उनके पासपोर्ट आप थंबनेल पे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही हैं इंडिया, बस से बरबर के आ रही है, आप बस हाँ बोलो, ये क्या सीन चल रहा है, और एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है, मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ आप भी बनवा लो पासपोर्ट आ जाओ, मैं तो पासपोर्ट बनवाऊंगी, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ ना, इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तुम्हारी तो खैर शादी हो गई, तो मैंने क्या तो अब तो तुमको अपनी चेकलिस्ट से निकाल दिया मैंने मैंने ये बेकार हो गई, अब इसको निकालो। अच्छा जिनकी शादियां नहीं उनको आप क्यों कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट? अरे मैं चलो ठीक है, ये तुमने अच्छी बात उठा ली, मैं सीरियसली मैं किसी को नहीं बोलता, मैं तो हंसी मजाक की बात करता हूँ, दिल लगी की बात करता हूँ, और जो बात होती है सच बोलता हूँ मैं, चाहे पाकिस्तानी मेरे सामने बैठा हो चाहे मेरे वीडियो के अंदर हो, जो सच हो सच बोलने में मैं कभी भी कतराता नहीं हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ। अब ये क्या है, जैसे मेविस की जो आप बात कर रहे हो आप, तो वो मेविस के को मैंने कभी भी आई लव यू नहीं कहा, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा, बस ये बात बात के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है, लोगों को भी अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आ रहा, लोग मैंने तो एक स्क्रीनशॉट मुझे किसी यूट्यूबर ने भेजा, बोला बंटी भाई देखो आपके नाम से मेरे नाम से अजीब अजीब की थंबनेल, एक थंबनेल में तो आपका भी लिखा हुआ था, आप मतलब थंबनेल में बोल रही हो हिंदी तो शायद आपको समझ में नहीं आती होगी, तो उस पे लिखा हुआ है शायद आप मतलब तुम्हारी फोटो पे आई लव यू बंटी, मैं जल्दी इंडिया आ रही हूँ और उसपे व्यूज है 32,000 अच्छा वैसे एक बात है, बहुत सी कंट्रीज की सेपरेशन हो जाती है और उसके बाद फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, अब आप यूरोप देख लें, देखें ओपन बॉर्डर, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं समझ गया आपकी बात की, हाँ भाई उन्होंने बहुत जंगे लड़ी, 200 साल तक जंगे लड़ी, लाखों लोगों का खून बहाया, फिर आज एक हो गए बिना बॉर्डर के जाते, लेकिन ये कोशिश हमने करी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी कैबिनेट को बस में बिठा के लेके गए थे हाँ। और तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ, अगर उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर दोस्ती हो जाती और वो एक माइलस्टोन बनता, लेकिन तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ अटल जी के साथ में, बताओ याद है मुझे याद है तो क्या किया वो इधर से समझौता एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी ले जा रहे हैं शांति की वार्ता करने के लिए और इधर से कारगिल कर दिया आप लोग कारगिल हो गए, लेकिन हमारे पूर्वजों बड़े मासूम है, वो कहते हैं ये हम नहीं कर रहे, ये ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, वो बेचारे तो हाँ अरे तो का नाच नचवाया जा रहा है ना, अरे तो जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो रन करने वाले वो ऊपर वाले तो लोग हैं, नीचे वाले तो है ही नहीं ना, उनके तो बस हाँ, की कुछ नहीं है, वो तो बोल भी नहीं सकते, खड़े हो गए आर्मी के खिलाफ दूसरे दिन डाला उठा के ले जाता है, अच्छा बात नहीं है।
ना लोग कहते हैं शायला मैम ये आपकी वीडियो में लोग कहते हैं ये डाला आ गया, डाला आ गया, ये क्या, व्हाट इज डाला? मैंने कहा जनाब मैं अपने वीडियो में कम से कम 8-10 बार, मुझे भी आते हैं कमेंट, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों के लिए डाला शब्द एकदम नया शब्द है और पाकिस्तान में लोग डाले के नाम से घबरा जाते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि डाला होता क्या है, पाकिस्तानियों के लिए सबसे खौफनाक चीज होती है भाई, पाकिस्तानी एक मासूम इंसान जिसको देख के हलक सूख जाते हैं। V8 डाला, V8 पता बड़ी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन अब एक बार है ना ऑडियंस को समझ में आ जाए डाला एक्चुअली होता क्या, तुम बिल्कुल सही से क्लेरिफाई कर दो। दोस्तों डाला मैं बताती हूँ, बहुत खतरे की अलामत है यहाँ पर डाला। एक्चुअली जेट ब्लैक गाड़ियां होती हैं, ब्लैक शीशे उसके ऊपर होते हैं, हूटर सरकारी लगा होता है, और ये V8 गाड़ियां होती हैं, ठीक है। V8 आपको पता ही है लग्जरी गाड़ियों में आती है, तो फिर जिसके घर के बाहर V8 आ जाती है वो गया। इस वजह से लोग कहते हैं भाई हमें डालों से बचाओ। एक्चुअली बाकी कंट्रीज में उन्होंने अपनी फोर्सेस को थोड़ी सस्ती गाड़ियां लेके दी हैं, हमारी वाले के पास 16-17 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। यही वो डाले हैं जो इमरान खान को लेके गए, यही वो डाले हैं जो बहुत से लोगों को उठा के लेके गए हैं। चले अब मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट हो जाते हैं ना वैसे बड़े टाइम बाद ही मैंने लाइव चुनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया बंटी जी, अब पूरा सिस्टम अपडेट हो गया है ना, आप समझा करें।